आज के इस वीडियो में हम देखेंगे प्रेशर पिलाउ में जो वाल्व लगवाते हैं हम उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आने लगती है, कुछ समय के बाद उसमें से ऑयल निकलने लगता है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों जो एडिशनल में हम अलग से ट्रैक्टरों में प्रेशर पिलाउ के लिए जो वाल्व लगवाते हैं उसमें कुछ इस तरह से बूंद बूंद करके जब भी हम हाइड्रोलिक को ऊपर या नीचे करते हैं तब उसमें से ऑयल निकलता है। तो दोस्तों यह एक बहुत बड़ी समस्या है। लेंसर कंपनी का ये वॉल्व होता है दोस्तों जो हमारे ट्रैक्टर में लगाया था, इसकी वजह से हमें प्रॉब्लम आ रही है। आप देख सकते हैं कंपनी का नाम भी बाद में मैं बताता हूँ। धीरे धीरे करके पूरे सीज़न में करीब 5 से 10 लीटर तक ऑयल आपका बर्बाद हो जाता है दोस्तों। जब बखर और सिडिल पे ट्रैक्टर चलता है, पिलाऊ पे चलता है उस समय तो निकलता नहीं है क्योंकि नलियाँ लगी होती है। बाकी जब बखर या दूसरे किसी भी सामान पर आप चलाओगे उस समय इसमें से ऑयल निकलता है। फिर इस थैली में हमने एक जुगाड़ बनाया हुआ है, इसमें इकट्ठा करके हम यहाँ से वो इसमें ऑयल डाल देते हैं दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों आप देखेंगे तो यह बहुत बड़ी समस्या है, धीरे धीरे करके करीब नुकसान ही होता है इससे। फिर हम नए वॉल्व लाए हैं, अभी रखे हैं, उनको लगाना बाकी है। लगाने के बाद देखेंगे कि होता क्या है। अगर आप अलग से वॉल्व लगवाते हैं, और ये वॉल्व भी हमने प्रभात सीहोर के वहाँ से जब पिलाउ लिया था तो उन्होंने ही लगा के दिए थे, कुछ समय तक तो सही रहे, बट कुछ समय बाद दिक्कत आने लगी दोस्तों। धीरे धीरे कल के ऑयल निकलने लग गया, उसमें से बूंद बूंद करके ऑयल निकलता है तो वो बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाता है। अगर आपका ट्रैक्टर लगातार 3-4 घंटे चलता है तो पूरा पीछे से ऑयल में गीला हो सकता है, जाता है। इस प्रकार से आप देख रहे हैं।